चैप्टर टू का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं आप लोग को म्यूट कर दे रहा हूँ, जिसको भी क्वेश्चन पूछना रहेगा वो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर देगा, ठीक है? ओके, सबको मैंने म्यूट कर दिया। और यहाँ मैंने चैट बॉक्स, जिन दो बच्चों ने, श्वेता और सुधांशु ने अभी अटेंडेंस दिया है, वो बच्चे दोबारा देते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट है। ओके, सो दिस इज द चैप्टर टू। और सभी लोग जो है जो, एक सेकेंड, किसी के भी क्वेश्चंस रहेंगे वो अपने चैट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, इफ एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, ही और शी विल राइट देयर अटेंड नेम एंड क्लास सेक्शन इन द चैट बॉक्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर क्वेश्चन आंसर सेशन। सो नोबडी विल रेज हैंड, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन इन चैट बॉक्स, एंड इफ देयर क्वेश्चन विल बी जेन्युइन देन आई विल अनम्यूट यू, बिकॉज ऐसे में आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकता। ओके, सो स्टूडेंट्स, रुक जाइए, किसी को भी अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। चलिए, अच्छा, अभी आप लोग पूछने वाले हो कुछ, काफी लोगों का। यस, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? मैंने अनम्यूट किया, बताइए। चलिए ठीक। सो द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये चैप्टर टू है, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट अलाउज द यूजर टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन अ स्क्रीन, ठीक है? तो उसके लिए आपका क्या है? डी है, मॉनिटर जो है वो आपको स्क्रीन दिखाता है। इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर टू, दिस पार्ट सेंड सिग्नल्स टू द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू टेल देम व्हाट टू डू, ठीक है? तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो सिग्नल सेंड करता है? तो इसका आंसर होगा सीपीयू। द मेमोरी इज फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। इसमें ये रैम है आपका। दिस पार्ट अलाउज द यूजर टू हियर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर स्पीकर, वी ऑल नो दिस। ओके, अनदर नेम फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर तो आपका हार्डवेयर ही है, ठीक है? इसके बाद दिस पार्ट स्टोर्स डेटा, प्रोग्राम, सेटिंग्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाइल द कंप्यूटर इज ऑफ, एंड व्हेन इट इज ऑन इट स्पिन इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द रीडिंग एंड राइटिंग डेटा। तो इसका आंसर आपका हार्ड डिस्क होगा, इसका आंसर आपका हार्ड डिस्क होगा, ठीक है? जस्ट होल्ड अ सेकेंड, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। ओके, सभी लोग अपना अटेंडेंस देते बच्चे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है वो ये है कि देर आर टू बेसिक टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव्स, ठीक है? पहला है डैश डिस्क ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटेड कॉपी इज ऑफन कॉल्ड हार्ड कॉपी। कोई चीज प्रिंट होती है तो उस कॉपी को हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं, और अगर वो प्रिंट नहीं होती तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। कोई अगर फाइल आपके सिस्टम है तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। डैश प्रिंटर डू नॉट यूज फिजिकल इम्पैक्ट टू ट्रांसफर कैरेक्टर्स टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। फिजिकल कॉन्टैक्ट कौन नहीं करता? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर यूजेस द बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट्स, या तो उसको हम लोग बोलेंगे एएलयू, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक, यहां स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहां लिख दिया, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है? और दूसरा होता है आपका सीयू, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ओके, द बाइनरी नंबर सिस्टम जो 12th है क्वेश्चन, द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस द सिंबल, कौन सा? जीरो और वन को यूज करता है।
डिजिट्स ऑफ द बाइनरी सिस्टम्स, इसको हम लोग क्या करते हैं बाइनरी सिस्टम्स का, इसको हम लोग बोलते हैं बिट्स। अ यूनिट ऑफ अ 8 बिट मेमोरी, ठीक है, 8 बिट मेमोरी, 8 बिट मेमोरी का क्या होता है बाइट होता है, ये हम लोगों को पता है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से होगा, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है अपना वीडियो ऑन करे। यस आदित्य सर, 1, 2 और 4, 5 फिर से दिखा दीजिए। अब इसके बस एक सेकंड स्क्रीनशॉट लेने। मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि अभी आप क्लास में लेट आए, तो मैं 10 मिनट से वो नहीं कर पाता। आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, अ केबी इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज इक्वल टू, केबी को क्या बोला जाता है, ठीक है, वन जीरो टू फोर बाइट्स, ठीक है, द मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा फैमिलियर आउटपुट डिवाइस क्या होता है जिसमें आप लोग देखते हो आउटपुट, मॉनिटर, कंप्यूटर का स्क्रीन। द फोर फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर आर इनपुट डिवाइस, डैश एंड आउटपुट डिवाइस। तो डैश में आपका सीपीयू ही होगा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सीपीयू कहिए, अच्छा दो दिया हुआ है सीपीयू और एक में मेमोरी होगा। फिर द इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर गिवन थ्रू इनपुट डिवाइस, कैलकुलेशंस आर मेड इन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इट्स, कैलकुलेशंस किससे वर्क किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इट्स ALU। बाइनरी डिजिट्स, द टर्म बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट्स, उसके बाद 22 का अ यूनिट ऑफ मेजर इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स का मैं बताता हूं कितना होता है, 1024 केबी हो गया, और 1024 केबी उसके बाद फिर 1024 मल्टीप्लाई करना होगा, 1 बिलियन बाइट्स, मिलियन आपका MB होता है, ये इसका वो होगा गीगाबाइट्स होगा, इसका स्टूडेंट्स गीगाबाइट्स होगा, GB। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सॉल्व क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि स्टेट्स द बेसिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, नेम द सब यूनिट्स दैट मेक अप द सीपीयू एंड गिव द फंक्शंस टू ईच ऑफ द यूनिट्स। सो ऑल द क्वेश्चन एंड इट्स आंसर इज एक्सप्लेन्ड हियर, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको अवेलेबल है। इन केस अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा या मतलब यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ठीक है। 100 ऐसे करके होता है, आशुतोष यादव ने लिखा है कि देर आर सम कितना वर्ग जीरो लिखे हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 करोड़ है, तो ठीक है, बिलियन नहीं है,
आदित्य का क्वेश्चन है, वेल अटेम्प्ट, हमको लग रहा है जीबी होगा, एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा नेट पे, क्योंकि हम लोग सर्च कर लेते हैं। चलिए, आप लोगों में से काफी लोगों को ये लास्ट क्वेश्चन पे इश्यू है। 1 बिलियन बाइट्स इज इक्वल टू गीगाबाइट, 1 बिलियन बाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, सही था मेरा आंसर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का सलूशन दिया है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको मैं नहीं बता रहा। ओके, मैं होल्ड अ सेकेंड। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, टाइप ए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ये अनसॉल्वड है, इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स का कलेक्शन क्या होता है? बाइट होता है। ठीक है, 8 बिट का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी? वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है? रैम। लेकिन नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपका रोम होता है, रोम इसका आंसर है, रैम तो वोलाटाइल मेमोरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज विद द कंप्यूटर सिस्टम? तो अगर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी का यूज कैलकुलेट करना है तो आप बाइट से भी कर सकते हो, मेगाबाइट से भी कर सकते हो, गीगाबाइट से भी कर सकते हो। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर यहाँ पे ये वाला होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है? सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है, इस ये आपका ट्रू होता है, एक सेकेंड, हाँ ये आपका ट्रू होता है, दिस इज ट्रू, सेकेंडरी स्टोरेज आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, प्राइमरी स्टोरेज वोलाटाइल है, रैम जो है वो वोलाटाइल है, यस रैम वोलाटाइल है। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन प्राइमरी स्टोरेजेस आर इरेज्ड, ठीक है, ये भी आपका ट्रू है, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ होते हैं तो जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं प्राइमरी स्टोरेज में वो इरेज हो जाते हैं। तो इन दोनों में से देखिए पार्शियल फॉल्स की बात आती है स्टूडेंट्स, कि हम अगर रैम की बात करें तो वोलाटाइल है, लेकिन रोम आपका जो है नॉन वोलाटाइल है, और रोम भी जो आपका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। कंप्यूटर में जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस डिलीट होते हैं वो रैम से डिलीट हो जाते हैं, लेकिन रोम में से डेटा आपका डिलीट नहीं होता। तो एक तरीके से जो है सभी आपका करीब करीब, मतलब ये तो ट्रू है ही, बी वाला भी पूरी तरीके से फॉल्स नहीं है, सी वाला, तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑफ कर दे, सभी स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑफ कर दे। व्हाट डज द ओसीआर स्टैंड फॉर? ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये आपका होता है 5th का ए। डॉट मैट्रिक्स आपका क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स आपका प्रिंटर है। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, ट्रू। लॉजिक ऑपरेशन, ये भी ट्रू। फेच ऑपरेशन फेच करना तो हो ही जाता है, आइदर ऑफ कैन नॉट परफॉर्म आइदर ऑफ द अबव होगा, क्योंकि मोर देन वन, ये भी आपका एक तरह ट्रू ही है, तो इसका आंसर होगा आइदर ऑफ द अबव, कोई भी एक है, आइदर ऑफ द अबव है। Which of the following does not represent an input output device? कौन सा input output device नहीं है? Speaker जो है output device है, plotter जो है output device है, हाँ print करने के लिए होता है, joystick जो है वो आपका pointing device है, ये भी एक तरीके का input output device आता है। ALU आपका logical device है, मतलब arithmetic and logic operations perform करता है CPU के अंदर, तो ये आपका answer होगा। This question आंसर इज दिस, ओके।
Which of the following is a correct definition of volatile memory? इनमें से जो कौन किसका volatile memory का correct definition है? It loses its content at high temperature? नहीं. It is to be kept at airtight boxes? नहीं. It loses its content on failure or power supply? ये हो सकता है. It does not volatile memory. It does not contain failure memory. तो इसका C होगा. Ninth का जो answer होगा वो आपका होगा C. ठीक है. 1000 bytes जो आता है आपका मेगाबाइट नहीं मेगाबाइट किलोबाइट होता है. 1000 bytes जो होता है वो आपका किलोबाइट होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय चेक्स कौन सा होता है? मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR होता है. ठीक है, MICR होता है इसका आंसर. The concentric circles on the floppy disk are further divided into, ठीक है, tracks, sectors, cylinders. तो अच्छा sectors होता है. देखिए मैं बता दूं कैसे, मैं ये आप लोग को बता दूं कैसे. जैसे ये आपका floppy disk है, इतना बड़ा सा floppy disk है, ब्लॉक बॉक्स टाइप का बना होता है बच्चों, और इसमें एक सर्कल होता है. इस सर्कल में ऐसे ऐसे आपके छोटे छोटे सर्कल्स बने रहते हैं. ठीक है, ये छोटे छोटे सर्कल्स बने रहते हैं. इस जो एरिया होता है जो छोटे छोटे सर्कल्स बने रहते हैं, ठीक है, जिसको जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक, इसको हम बोलते हैं ट्रैक. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ट्रैक बोलते हैं. और ये फर्दर डिवाइड होता है इस तरीके से, जिसको हम बोलेंगे सेक्टर्स. इसका आंसर होगा 12 का बी, सेक्टर्स. 12 का बी जो है इसका करेक्ट आंसर है. Which of the following storage devices can be used for storing large backup data? इनमें से कौन सा जो है लार्ज बैकअप डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, नॉन ऑफ द अबव. तो इसमें लार्ज डेटा के लिए आपका बच्चों हार्ड डिस्क होता है. ठीक है, लार्ज के लिए आपका बी होगा. कंट्रोल यूनिट और सीयू इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द कंप्यूटर, नर्व सेंटर और ब्रेन. ब्रेन बोल सकते हैं. प्राइमरी मेमोरी नहीं होता है, ये प्राइमरी मेमोरी नहीं है, प्रोसेसिंग डिवाइस है. ऑल ऑफ द अबव नहीं है, हार्ट ऑफ द नहीं है. तो इसका आंसर होगा बी, नर्व सेंटर और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. व्हाट डज स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड? स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड कराता है? अ प्लेस टू स्टोर डेटा. ठीक है, स्टोरेज यूनिट क्या करता है? एक प्लेस जहां पे शो डेटा, ये तो नहीं होगा. प्लेस टू स्टोर करेंटली वर्कड ऑन इंफॉर्मेशन, अ प्लेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन. इसका सी होगा बच्चों, 15th का सी होगा. इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, इन्हीं क्वेश्चंस और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ फेरली में आएंगे. व्हाट आर द फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर के फोर बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटिंग एंड टाइपिंग. ये नहीं होगा. इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइस, ये होगा. इनपुट डिवाइस सीपीयू, आउटपुट डिवाइस रैम, नहीं ये नहीं होगा. तो बी इसका आपका सही आंसर है. बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस? इसमें से स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से है? कीबोर्ड्स तो है नहीं, फ्लैश ड्राइव है, रैम है, डीवीडी रोम है, ये है. ठीक है, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी रोम, लेकिन डीवीडी रोम तो हाँ, हार्ड ड्राइव, डीवीडी रोम, फ्लैश ड्राइव यहां भी बोला है, डीवीडी रोम आपका यहां पे भी बोला है. अच्छा, हार्ड ड्राइव किया है, हार्ड डिस्क नहीं है, ये गलत है. इसका आंसर है बी. ठीक है, इसका आंसर बच्चों बी होगा. यहाँ हार्ड ड्राइव की जगह अगर डिस्क होता तब ये सही होता सी, तो ये गलत है. व
व्हाट इज द प्रोसेसिंग यूनिट? प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, द मेन सर्किट बोर्ड दैट ऑल अदर इंटरनल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू, द डिवाइस दैट रिसीव प्रोसेसेस एंड प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन. ठीक है, रिसीव करता है, यहाँ यही होगा. और ये भी आपका आंसर गलत नहीं है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग किसके अंदर होती है? प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है. लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग यूनिट में CULU कॉम्बिनेशन होता है. मेन आपका सबसे ज्यादा अच्छा करेक्ट आंसर है सी. व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? इट्स वेरी इजी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन रोम? स्टोर द ऑपरेटिंग, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका होता है बायोस. इसी को हम लोग बच्चों बायोस बोलते हैं. मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये आपको नॉलेज, ये आपको आइडिया देगा. ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर. ओके, यस सर. ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड, कर दूंगा. आप लोग वहां से भी क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाओगे तो देख लोगे. ओके सर, सेकंड चैप्टर का थर्ड चैप्टर, अभी थर्ड चैप्टर का भी अपलोड करूंगा. फोर्थ धीरे धीरे जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सारा मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम ना हो, बड़े आराम से आप लोग क्वेश्चन का जो है अपना उसको रिवाइज कर सकते हैं. यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल रहेगा. जैसे अभी कुछ स्टूडेंट, जैसे आदित्य लेट आया क्लास में ड्यू टू सम नेटवर्क इशू, तो वो अपना वहां से देख सकता है. Which of the following is a soft copy and a hard copy of a computer? ठीक है, इनमें से आप लोग वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो अपना बार बार ऑन कर रहे हैं, हमको मेरी रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस आ रहा है. Which of the following is a soft copy and a hard copy? तो आउटपुट ऑन अ मॉनिटर क्या है आपका? सॉफ्ट कॉपी. ठीक है, और आउटपुट ऑन अ प्रिंटर क्या है आपका? हार्ड कॉपी. तो देखिए मैंने इसको रिलेट कर दिया है, आपका देख लेना. What role do input unit and output unit play in a computer system? तो देखो ये theoretical question है, इसको देख लेना कि input unit क्या करता है, instructions देता है, और output unit क्या करता है, उस instruct data को देता है input unit. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये आपका computer है और ये आपका input unit है. ठीक है, तो इनपुट यूनिट क्या करेगा? डेटा, ठीक है, प्रोवाइड्स डेटा. और ये आउटपुट यूनिट क्या करेगा? ठीक है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन. या हम लोग बोल सकते हैं बच्चों प्रोसेस डेटा. तो इसको अपनी लैंग्वेज में आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ये अगर आपका कंप्यूटर है तो. उसके बाद फंक्शनैलिटी ऑफ सीपीयू, सीपीयू की फंक्शनैलिटी जो है इसको आप लोग कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर्स तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे. मैं ब्रीफली आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि मान लीजिए अगर ये इनपुट यूनिट है, ये डेटा प्रोवाइड करा रहा है, तो पहले ये रजिस्टर में जाता है. रजिस्टर छोटी सी मेमोरी है, उससे फिर आपका ये CU के पास जाता है और CU इंस्ट्रक्शन देता है ALU को. ठीक है, ALU उस इंस्ट्रक्शन पे काम करता है. ठीक है, और आउटपुट CU को प्रोवाइड कराता है, जो CU क्या करता है उस आउटपुट को रजिस्टर में स्टोर करा देता है, और फिर यही से आपका, ठीक है, आउटपुट जाता है. तो ये अगर आफ्टर प्रोसेसिंग है. तो ये मैंने छोटा सा डायग्राम बता दिया है, और ये जो चीज है, ठीक है, ये आपका CPU के अंदर होता है. खासकर जो ये चीज है इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट.
ठीक है, तो यानी ये जो आपका पार्ट है CULU का, ये आपका प्रोसेसिंग यूनिट है और रजिस्टर और पूरा ये सब आपका CPU का पार्ट है। What role does the memory play in the functioning? We all know memory is used to store the information so that it can be processed for the later purpose, for the later phase. इसे बहुत इजी है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में। टू पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? कीबोर्ड और माउस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस कर्सर को पॉइंट करता है स्क्रीन पे। कौन कोई पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस आपका क्या हो गया? इसका आपका माउस हो गया, मैं लिख दे रहा हूं। जैसे आपका यहाँ पे कीबोर्ड, अगर हम लोग माउस को जो है पॉइंटिंग डिवाइस मानेंगे, अगर हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस मानेंगे और इनपुट डिवाइस में थोड़ा सा हम लोग सोचना कि माउस को ना रखें, तो कीबोर्ड के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, माइक के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, स्कैनर के थ्रू हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, सो मेनी डिवाइसेस आर देयर। When a scanner is used for the input, scanner कब use करना होता है? जब hard copy का image form या PDF form आपको अपने computer system में यानी as a soft copy आपको चाहिए, तब आप scanner को use करते हैं। Discuss various type of scanners. Various type of scanners क्या क्या होते हैं? Flat bit scanners, ये सारे type, ये पूरा जो है various type of scanners मेरे YouTube videos में मिलेंगे। देखिए मैं एक चीज बता दूं students, ये इस क्वेश्चन का आंसर 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27 सब के सब मेरे YouTube वीडियोस में है। मैंने बड़े आराम से अच्छे के पॉइंट करके एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, अगर आप लोग मेरे वीडियोस को आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, यू विल नॉट इवन नीड अ बुक, इतना मैंने उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया है, इसको आप लोग देखिए। डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ अ लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है बच्चों? ये आप सभी को पता है, लाइट पेन इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। बार कोड रीडर, ये भी मेरे इनपुट डिवाइसेस में है, ठीक है, क्लास 9th के उसमें जाओगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, या तो क्लास 11th के इनपुट डिवाइसेस में आपको यहाँ दिख जाएंगे स्टार्टिंग के जो एक दो वीडियोस हैं, क्लास 11th के आईपी वाले जो मेरा प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोस को देख लोगे करके आपको दिख जाएंगे। हाउ इम्पोर्टेंट इज कंट्रोल यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि सभी डेटा को मैनेज कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। डेटा को रजिस्टर से कौन पिक करके एलयू को कौन प्रोवाइड कराता है? कंट्रोल यूनिट। किस डेटा पे कब प्रोसेसिंग होनी है, कब इस पे कैलकुलेशन होना है, कब इस पे अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन लगना है, ये कौन डिसाइड करता है? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक अ मैनेजर, बिना कंट्रोल यूनिट के कोई काम नहीं हो सकता आपके कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। सभी बच्चे अटेंडेंस जिन्होंने अभी तक नहीं दिया दे दीजिए, चैट बॉक्स में नेम क्लास सेक्शन लिख दीजिए। डिस्कस वेरियस स्टोरेज यूनिट्स, बहुत सारे स्टोरेज यूनिट्स के बारे में, कौन कौन से हैं? रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब तो डिवाइसेस हो गए, और यूनिट्स में आपका ठीक है, इसमें आप बिट्स, बाइट्स, ठीक है, केबी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इसको देख लीजिए। मेमोरी यूनिट्स क्या होता है जिसपे हम लोग मतलब मेजर करते हैं? सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है बिट, ठीक, वन बिट जो होता है, या तो एक बिट आपका जो होगा या तो जीरो होगा या तो वन होगा। फोर बिट का एक निबल होता है, एट बिट का एक बाइट होता है, 1024 बाइट का जो है एक किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट का एक मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट का, इसको हम लोग केबी बोलते हैं, एमबी भी बोलते हैं बच्चों, 1 GB होता है, गीगाबाइट एंड सो ऑन। बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसी को हम लोग जीबी बोलते हैं। उसके बाद देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इंटरनल मेमोरी कौन सी है? रैम और रोम। मेरे यूट्यूब वीडियो में रैम रोम के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम कैसे फंक्शन करता है, रोम किस लिए यूज होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, वहां से पढ़ के इसके नोट्स बना लीजिएगा।
कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में क्या डिफरेंस है, आइए हम लोग क्विकली देख लेते हैं. वैसे ये भी मैंने बताया एक वीडियो में, लेकिन एक बार मैं इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा. जैसे आपका अगर ये इंटरनल मेमोरी है, और ये आपका एक्सटर्नल मेमोरी है, ठीक है, इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं. यूज टू स्टोर डेटा फॉर प्रोसेसिंग पर्पस, प्रोसेसिंग पर्पस के लिए जो डेटा यूज होता है, ठीक है, वो आपका इंटरनल मेमोरी में होता है. लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी में क्या होता है, यूज टू स्टोर डेटा, ठीक है, विच कैन बी लेटर यूज फॉर प्रोसेसिंग. इसकी साइज स्मॉल होती है, इसकी साइज बिग होती है. ये फास्टर होता है, ये आपका स्लोअर होता है, ठीक है. तो ये सारे डिफरेंसेस, उसमें कई सारे डिफरेंसेस है, आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा. ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों रिक्वायरमेंट है, देखो हम लोगों को एक्सटर्नल मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज नहीं होता. अगर हम लोगों को, अगर आपको आपके पास मान लीजिए, अगर मैंने आपको अभी एक वो दे दिया, स्लेट दे दिया, जिस स्लेट होता है ना जिसमें हम लोग चौक से लिखते हैं, तो वो चौक से आप भाई आपने एक पूरा स्लेट भर के लिख लिया, लेकिन अब आपको अगला अगर नोट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरे स्लेट को आपको क्लीन करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. तो उस स्लेट में आप टेम्पररी बेसिस पे लिख रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो लिखा हुआ है बाद में उसको पढ़ लो समझने के लिए, तो उसके लिए आपको कॉपी की जरूरत है. तो जो फर्क है एक स्लेट में और एक कॉपी में, वही फर्क है आपका एक प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है. तो मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है, वैसे मेरे वीडियोस में सब मैंने एक्सप्लेन किया है. हार्ड डिस्क का क्या यूज है, वही यूज है जो जिसके लिए आपका ऑक्सिलरी मेमोरी यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए. फंक्शनिंग ऑफ द डीवीडी, ये मेरे इनपुट आउट इनपुट डिवाइसेस में बताया मैंने कि डीवीडी आपके कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है. वर्सेटाइल डिस्क होते हैं ये, आपके कैसे वर्क करते हैं देख लीजिएगा. When the magnetic tips used and how magnetic tips used to store the data, पहली बात तो जितने भी magnetic elements होते हैं वो data को store कराने में सक्षम होते हैं, they are capable of storing the data. और उसमें क्या होगा, जैसे आपका पहले का cassette recorder था कि वो play होता था, ठीक है, तो ऊपर एक head लगा होता था, तो जैसे वो move करता जाएगा तो वो बजता जाएगा, वो song बजता जाता है. तो all your songs is stored in the magnetic tips. तो इसी तरीके से आपका यहाँ मैग्नेटिक टेप्स यूज होता है, इसका कई सारे कई तरह के डीवी जो वीसीआर में यूज होता था पहले, मैग्नेटिक कैसेट्स आते थे वो आपका मैग्नेटिक टेप्स को यूज करते थे, ठीक है. फ्लॉपी डिस्क में भी आपका मैग्नेटिक टेप्स यूज होता है. तो ये बेटा आपका हो गया, ठीक है. विच इज द व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल स्टोरेज मीडियम फॉर स्टोरिंग एंड एनसाइक्लोपीडिया. एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, डेटा, ठीक है. और डेटा को क्या किसमें स्टोर किया जाता है, देखो अब इसका अलग है, डेटाबेस है जहां आपको फेच करना है वहां एनसाइक्लोपीडिया डेटाबेस होता है, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ये कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तुरंत हम डेटाबेस से मांगेंगे, डेटाबेस हमें निकाल के दे देगा, फेच करके दे देगा. तो इसके लिए एनसाइक्लोपीडिया के लिए डेटाबेस जो है वो सबसे मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, रैम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर. नहीं, गलत है. RAM holds the data that is being worked upon, ये सही है. RAM volatile है. RAM can be read from and written to, सब सही है. खाली यही गलत है. This will be the answer, क्योंकि ये not correct है. इसका काम कौन करता है, ये वाला काम जो जो यहाँ पे mention है, ये आपका ROM करता है, ठीक है. तो ये हो गया आपका. उसके बाद part of the CPU क्या है आपका, ठीक है. पार्ट ऑफ द सीपीयू जो आपका ALU, ALU stands for arithmetic logic unit. तो ये सब आपके नॉर्मल नोट्स हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगे. मेरे वीडियोस को भी पढ़ लोगे तो भी आपका ये चैप्टर 2 आप बड़े आराम से कर सकते हो. चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है.